आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीएस बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आईपीएस बनने के लिए कितनी बार आप कोशिश कर सकते हैं, आपको कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपको आईपीएस बनना है, आपको आईपीएस बनने का अपना सपना पूरा करना है तो ये चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो आईपीएस बने और बहुत सारे स्टूडेंट अपना सपना पूरा भी करते हैं और आपका भी सपना जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग आईपीएस बनने के लिए एज लिमिट की बात करें कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो देखो गाइस एज लिमिट डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से करते हो, एससी और एसटी से करते हो, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उस अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट वेरी करती है। मिनिमम एज लिमिट तो सबकी सेम है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट कम या ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसमें आपकी जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर 32 साल तक, यानी कि 21 से 32nd ईयर तक आपकी एज लिमिट होती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आपकी मिनिमम एज तो 21 होगी ही, लेकिन जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 32 के जगह 35 हो जाएगी। वहीं पे गाइज अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें भी आपकी मिनिमम एज 21 होगी और इसमें आपकी मैक्सिमम एज 5 साल और बढ़ जाएगी जनरल कैटेगरी के कंपेरिजन में, यानी कि 37 ईयर आपकी हो जाएगी। तो अगर हम लोग एक लाइन में समझे तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से 32 साल, ओबीसी के लिए 21 साल से 35 साल और एससी एसटी के लिए 21 साल से 37 साल एज लिमिट होती है। अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते तो दोस्तों आपकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 37 साल तक हो जाती है। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो दोस्तों इसमें भी आपको एज लिमिट में छूट मिलते हैं, इसमें आपको 10 साल की छूट मिलती है, यानी कि आपको 21 साल से लेकर 42 साल तक की एज लिमिट आपके लिए होती है। इस तरीके से अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं यानी कि पहले से जॉब करें तभी दोस्तों आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो दोस्तों ये पूरा क्राइटेरिया था एज लिमिट के लिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि किसको कितनी बार अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा। तो देखो गाइस अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप 6 बार अटैम्प्ट कर सकते हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप 9 टाइम्स यानी कि 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि 37 साल तक, 21 साल से लेकर 37 साल तक, यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो आप 15 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ये चीज़ एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखो मान लेते कि आपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया लेकिन आपने प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं दिया, तो दोस्तों अगर आपने प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं दिया तो वो आपका काउंट नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम दिया तभी आपका वो 1x1 chance काउंट होगा, अदरवाइज काउंट नहीं होगा। तो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया एज लिमिट के बारे में और अटेम्प्ट्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों डाउट्स अब आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आईपीएस के ऊपर ऑलरेडी पूरे डिटेल में वीडियो है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बाकी चीज़ें जानने के लिए उस वीडियो में कुछ सब कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।